प्रधानगी मंडल ते विद्वान दोस्तों, बहुत कुछ किया जा चुका है ते मैं कुछ नवा कहने लिए शायद इतने नहीं आई क्योंकि तुहानू सबनू पता है जदों डॉक्टर साधु सिंह, डॉक्टर रवीर सिंह सिद्धू, साधु पनेंग अजमेर रोडे जी ते होर विद्वान दोस्त जी अस घूमन बैठे हुए ने जिन्होंने अपन जिंदगियां दे विच बहुत सानू जड़ा है एक नॉलेज का ज्ञान का प्रसार किया भी ते पता भी है। जो इस तरह दीयां परसनैलिटीज बैठिया हो मैं लगता है कि मैं जो बोल रही हाँ वो सूरज नूं चानण दिखाउण वाली गल है, दीवा दिखाउण वाली गल। खैर मैं मेरी धामी साहब ने पंडाल जी ने कुछ जी जी मैं परिभाषा के तौर पर गल करनी सी वो उन्होंने पूरी कर दी है तो मैं उस सारे आधार बना के अपना जोड़ा चेतना प्रवाह है पंजाबी पंजाबियों का वो गल करांगी। जो मैं हूँ गल कर रही हाँ तो मैं इसको दो तरीकों नाल देख रही हाँ कि पंजाब एक भूगोलिक खिता है जां पंजाब ही लोग हैं। जदों असीं इस परिभाषा दे नाल गल करांगे तो मैं हड़प्पा काल की जिहड़ी सब तो पुरातन सभ्यता मनी जाती है पंजाबियों की उही धरती रही है। ऋग्वेद रचे गए पंजाब ते, फिर उस तो बाद पुराण ते होर सब कुछ। जिहड़ा ऋग्वेद का जमाना है उस वह भी पंजाबियों की अज की चेतनता दे उत्ते है ते जां हड़प्पा काल की जिहड़ी साडी क्लासलैस सुसाइटी सी वो भी एक मॉडल है। मुगल काल आंदा है, मैं क्योंकि हिस्ट्री नूं नहीं करना मैं उन्हां नूं आधार बना रही हाँ। मुगल काल आंदा है जां उस तो पहला सिकंदर आंदा है ते पोरस साडे सारे पंजाबियों की जिहड़ा कि 1947 दे विच असीं धर्म के तौर पर आपस में असीं लड़े वट कीती पंजाब ने पोरस साडी सांझी पंजाबियत दे प्रतीक के तौर पर सिकंदर के नाल लोहा लैंदा। सो ये सारिया चीज़ों के बीच क्योंकि मैं समझती हाँ कि जिहड़ी चेतना है वह कोई खला दे विच पैदा नहीं होंदी, वह एक समाजिक वर्तारा है साडियां समाजिक आर्थिक ते धार्मिक उन्हां सारिया कदरां कीमतां दे विचों किसी एक भूगोलिक इकाई दे विच रह रही सभ्याचारक इकाई का मुहांदरा करदा है। जदों असीं पंजाबियों बारे देखते हाँ उस तो बाद असीं सिख काल गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक उस तो अगे मैं बंदा बहादुर की गल करांगी जिन्हें लाखों तो साढ़े वाहक बनाया पंजाबियों। गुरु नानक काल के बारे च गुरु नानक के समय तो थोड़ा पहला सारे नाम का एक लोग से जिहड़ा पंजाब की धरती के उत्ते किसानों की मूवमेंट नूं लीड कर रहा है। गुरु गोबिंद सिंह उस तो पहला गुरु अर्जन साहब ने साई मियां मीर तो अपनी हरिमंदर साहब की नींव रखाउंदे ने। इह सारियां चीज़ां दा इक सिलसिला है जिस दे विच गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक वह लोक दे नाल खड़े उस सत्ता के खिलाफ खड़े। अज असीं गल करदे हां कि पंजाबी नाबर हुंदे ने, नाबरी का सुभाव जिहड़ा पंजाबियों की मानसिकता च सी। मैं इत्थे गल करांगी कुछ परसैप्शन है ते कुछ रियलिटी है। जदों असीं उस परसैप्शन नूं अज दी रियलिटी नाल ग्लोबली युग दे विच टैक्नोलॉजिकल युग दे विच देखदे हां ते पंजाबी कित्थे खड़ा है। मैं इह वी देखदी हां कि जदों पंजाबी 1897 च उत्तरी अमरीका नूं आउंदे ने, 1906 दे विच गुरुद्वारे दी स्थापना हुंदी है वैनकूवर दे विच ते उन्हां गदरी बाबियां दी नाभरी दा जिहड़ा सानू वो देखना पएगा जदों हांडूरस दे उत्ते जाण तों इनकारी करदे ने कि अज दा पंजाबी कैनेडा दी सत्ता दे नाल इस तरह दी नाभरी वाला ते इस तरह दी
सत्ता विरोधी सुर वाला है। जो गुरु नानक साहब की गल करते हैं तो मैं ये कहनी हाँ कि गुरु नानक साहब के समय च उन्होंने जो धार्मिक समाजिक अध्यात्मिक जरा एक रोल से उस मध्यकाल एक जमहूरी असीं इह कहांगे कि जमहूरी इनकलाब का समाजिक इनकलाब का एक आगाज। सो उस जमहूरी ते समाजिक इनकलाब नूं असीं जेकर सिर्फ सिख नाम लेवा सिख जिहड़े असीं कहीए कि चढ़दे पंजाब की धरती ते वड्डी गिणती सिखां दी है तो जे उसनों भी आपां पड़चोल करिए ते अज पंजाबियां दी ते खास करके सिखां दी चेतना का प्रभाव कित्थे है। असल दे विच मैं ये सोचा सी कि मैं औरत दे नजरिए तो पंजाबी चेतना की गल करांगी। जिहड़ी असीं गल करदे आं नाभरी दी किरत दी कि नाभरी पंजाबियां ने औरत दे जेंडर बायस दे हुण दे विच तां नहीं बना ली कि जिहड़ी उह नाभरी है जदों असीं मैस्कुलैरिटी की गल करते हैं जिन्हों ग्रामसी हैजमनी की गल करता पोलिटिकल हैजमनी की गल करता सोशल हैजमनी की गल करता है तो नॉन चमस्की इसनों अज के युग में जाके जो असीं अज गल करते हैं ग्लोबली जरा है असीं ये गल करते हैं कि अज एक ग्लोबल विलेज है जिस कारपोरेट बहुत वड्डी गिणती च है जिसने एक थप सभ्याचार जन्म दिता है एक जड़ी सत्ता की हैजमनी है उसनों गल करता असी सारे बैठे हुए हैं विद्वान। मैं ये गल करूंगी कि जी सियासी चेतना है तो जो सियासत ही सब कोई निर्धारित करती है तो उसके बीच साढ़े जोड़े असी दानश्वर हाँ असी सिर्फ जिनी देर तक गुरु नानक वर्गी लोग लै जी साढ़े जोड़े सिंबल्स पे हुए हैं बिल पे हुए हैं उन्होंने लैके नहीं चलते तो असी माइनस हो जाते हैं। तुसी शायद बहुत लोगों को यह गल चंगी नहीं लगी गई पर मैं कहना नहीं रोक सकती कि सिख धर्म के किनिया साड़िया औरतों हो जाने कि वह सबॉर्डिनेट सन। अज के दौर के असी औरतों माता गुजरी जी कितने रखते हैं भागो माई भागो जी गुरु गोबिंद सिंह के नाल जाके मुक्तसर की धरती से लड़ती है तो की अज की औरत जे माई भागो वांग रिएक्ट करती है तो उन्होंने साढ़े समाजिक रहत्व दे विच किस तरह देखते हैं क्यों नहीं वो साड़ी अज की समाजिक चेतना का धार्मिक चेतना का अंग बन सकियां क्यों नहीं जो सुरजीत कलसी वर्गी कवित्री जां साढ़े जड़ी आलम बरदार साड़ी वड्डी कवित्री अमृता प्रीतम है भावें कि उहदा पहले तौर की कविता जिहड़ी सी उसे समाजिक पैट्रियाकल माइंडसैट के रची हुई कविता है क्योंकि औरतां भी उस पैट्रियाकल उस ही उस मित्र सत्ता के जिउंदियां ने कोई औरत मर्द का मसला नहीं है मर्द भी उस पैट्रियाकल माइंडसैट जिउंदा ते यही जिहड़ी साडी जिहड़ी चेतना है खास करके पंजाबियां दी इसने औरत दे नाल ओहो इंसाफ नहीं किया जिहड़ा बाबे नानक ने कहा सी सो क्यों मंदा आखीए जग जमे रजां असी सिर्फ मत्था टेकन तक असी सिर्फ जरा है एक शब्द गायन तक जरा है उसनु समझे है पर असी अपने अमल दे विच उसनु नहीं लिया अपनी तर्ज जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। सो अज के दौर में जो मैं ये ग्लोबली समाज चाहे साड़िया औरतां कनेडा च रह रही ने जा हिंदुस्तान च रह रही ने तो हाँ तुम देखिया होना है कि शायद हूँ पिछले 10-12 सालों तो खास करके 2001 तो रवायतां थोड़ियां कटियां ने नहीं तो औरतों के प्रति जी सा चेतनता के एक एजुकेशन का एंटी थीसिस सी कुड़ियां नूं ना पढ़ाओ खराब हो जांदियां ने जाके यह जिहड़ा एंटी थीसिस सी वह साडी चेतना च कित्थों आया यह सारी जिहड़ी साडी चेतना का विकास है मैं समझदी हाँ कि यह एजुकेशन का एक बहुत वड्डा रोल होंदा है। जदों असी गल करते हाँ कि मार्शल कौम की सिख मार्शल कौम की जदों बस्तीवादी युग शुरू होता है जदों अंग्रेज आते हैं तो वो एक अपनी पारो के राजपा की नीति तहत सिखा मार्शल कौम का दर्जा देते हैं उन्होंने वो पिछे एक
ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪੜੇ ਉਪੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੀਰ ਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਦੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁਸਮਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਉਸੇ ਫਿਊਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁਸਮਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਥਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਬੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰ ਵੇਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ,
डॉक्टर वंदना शिवा का नाम खेती विज्ञानी के तौर पर एनवायरमेंट के तौर पर देखा हो। उसने पंजाब के किसानों के उत्ते 1980 के थीसिस किया, वायलेंस ऑन द फार्मर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। उसनों पंजाब च पढ़ नहीं दिता गया कि असी हमेशा प्रेजेंट के गलतियां करते रहेंगे, फिर फ्यूचर के जाके असी निरीक्षण करके तो फिर अगे होर गलतियां करांगे। अज बेड़ा साढ़े को टाइम नहीं है होर गलतियां करन दा। अज दे नौजवानों बचाउण दा भी है, धीआं नूं बचाउण दा भी है। भ्रूण हत्या की जिहड़ी पहली मशीन है वह दरबार साहब के सामने जिहड़ी है वह लगी सी सब तो पहली अमृतसर दे विच। ये भी सोचना बनता है। होर बहुत सारे मसले ने। शुक्रिया तुसीं मैनूं सुनिया, बहुत बहुत।